हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेशल कुकिंग। आज स्पेशल कुकिंग में मैं बना रही हूँ दूध से पनीर और उसके बचे हुए पानी से एक और रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है 1 लीटर दूध और इसको मैंने बैठा दिया है उबलने के लिए। हमने लिया है 1 नींबू और इसका हम रस निकालेंगे। इसमें 1 बड़ी चम्मच पानी मिला देंगे। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, अब हमने लिया है इसमें थोड़ा सा दूध। अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस और हम इसको इसमें मिला देंगे। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे और हमारा दूध फट जाएगा। दूध हमारा फट चुका है, इसको हम सूती कपड़े में छान लेंगे। हमने छेने को अलग कर लिया है, अब हम इस पे रखेंगे भारी चीज ताकि ये हमारा पनीर सेट हो जाए। इस तरह से हम इसको 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। और ये जो हमारा बचा हुआ पानी है इससे हम बनाएंगे एक और रेसिपी, तो चलिए शुरू करते हैं। हमने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हमें बनाना है बहुत हेल्दी तो हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। हमने लिया है पनीर का बचा हुआ पानी और इसमें हम डालेंगे घी। आटे में मिलाएंगे 1/2 चम्मच पीसी हुई चीनी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा, थोड़ा सा नमक। अब इसमें ऐड करेंगे 4 चम्मच दही और इनको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इस पनीर की पानी से इस आटे को हम गूंथेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। अपने डो को हम अपने हाथों के सहारे मसल मसल कर और इसको हम पटक पटक कर लचीला बना लेंगे। थोड़ा सा हम हाथ में तेल लेंगे और इसमें हम लगाकर 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ढककर। हमने जो पनीर निकाला था ना, परफेक्टली हमारा सेट हो गया है। इसकी हम सब्जी बनाएंगे। तेल हमारा गर्म है, इसमें डालेंगे जीरा, खड़े गरम मसाले, बारीक कटी हुई अदरक, लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा लंबा कटा हुआ प्याज, इन सब को हम भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे फाइन चॉप किया हुआ 2 बड़े साइज के प्याज। इसी समय हम डालेंगे नमक ताकि हमारा प्याज गल जाए। प्याज हल्का गुलाबी हो गया है, अब हम इसी समय ऐड करेंगे टमाटर। कुछ मसाले ऐड करेंगे, डालेंगे हम हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको हम ढककर भूनेंगे ताकि हमारा टमाटर मेल्ट हो जाए। मसाले हमारे भून चुके हैं, अब हम ऐड करेंगे इसमें गरम मसाला, क्रश किया हुआ कसूरी मेथी, इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। हमने पनीर को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है, आपको जैसा मन करे वैसा शेप बना सकते हैं। अब इसमें पनीर ऐड कर देंगे, ये 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे। देखिए हमारी सब्जी कितनी खूबसूरत लग रही है। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। नान बनाने के लिए हमने लोहे का तवा गर्म किया है, आप चिकना वाला तवा न लें जिसमें ऑयल लगा हो। आटा हमारा सेट हो चुका है, अब हम इसकी नान बनाएंगे। इसको हम बेल लेंगे, इसमें डालेंगे कलौंजी और डालेंगे कसूरी मेथी, इसमें डालेंगे हल्का सा आटा और इसको हम बेल लेंगे। इसके ऊपर वाले साइड में हम पानी लगा लेंगे ताकि हमारे तवे पे नान चिपक जाए। अब हम इसको तवे पे, हमारे नान एक ओर से सिक चुके हैं, अब हम तवे को पलट कर दूसरी ओर से भी सेक लेंगे। अब हम इधर से भी सेक लेंगे। हमारी होममेड रेस्टोरेंट स्टाइल बटर नान और पनीर की सब्जी बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।